मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोकन गांव जाने के लिए दीवा रेलवे स्टेशन पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुई है। जान जोखिम में डालकर यात्रा यानी कि सफ़र करने के लिए लोग मजबूर हैं। तस्वीरें ठाणे से सटे दीवा स्टेशन की है। इस साल गणेश उत्सव के मौके पर कोकन रेलवे ने पहली बार दीवा से रत्नागिरी दीवा तक मेमू ट्रेन शुरू की है। 13 सितंबर से शुरू हुई इस मेमू सेवा को कोकन के लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मेमू के प्रवेश का ये नज़ारा सुबह 7:05 से दीवा स्टेशन से प्रस्थान करने के पहले प्लेटफॉर्म का है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ है, लेकिन कोकन गणेश उत्सव मनाने वाले यात्री कोकन जाने के लिए पटरियों पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और मेमू में चढ़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगर यह कोकन रेलवे या सेंट्रल रेलवे है तो विशेष ट्रेनें हैं, लेकिन वो भी कम है। यात्रियों के लिए देखा जा रहा है कि गांव जाने के लिए काफ़ी भीड़ दीवा रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन कोकन जाने के लिए यात्री जो है वो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। चाहे जान चली जाए लेकिन कोकन जाएंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आखिरकार पुलिस की कोशिशों से मेमो ट्रेन में यात्रियों को खचाखच भरा गया और यात्रियों को दीवा स्टेशन से कोकन जाने के लिए रवाना किया गया। आज माडवी एक्सप्रेस लेट झालेली आहे, 1 ते 1.5 तास लेट झालेली आहे। आता ते अनाउन्स केलं त्यांनी की बाबा निघाली आहे म्हणून तिथून CST वरनं 8:40 निघाली असं दाखवते। ऑनलाईन चेक केला तरी ते अजून तिथे दाखवतो। आता काय खरं खोटं देवाला माहिती। आता बघू कधी येते ट्रेन येईल, आता पोहोचणार तर आम्ही रात्री करत आहे। आता पण रात्री तिथे गेल्यावरती काय नसतं तर खरंच सांगायला गेलं तर, पण आता तिथे गेल्यावर आम्हाला काय प्रायव्हेट गाड्यात करावं लागतं, कारण की त्याशिवाय उपाय नाही। गाव थोडा